ये कहानी एक जापानी व्यक्ति की है जो एक अजीब और खाली कमरे में जागता है। कमरे में कोई दरवाजा, खिड़की या छत नहीं होती है। दीवार के पास उसे एक उभार दिखाई देता है जो किसी पुरुष अंग की तरह दिखता है। वह इसे दबाता है और इससे एक अजीब घटना शुरू होती है। सैकड़ों छोटे हंसते हुए बच्चे फरिश्ते दीवारों और फर्श से निकलते हैं, लेकिन जल्द ही गायब हो जाते हैं और अजीब आकृतियां पीछे छोड़ जाते हैं। वह व्यक्ति विभिन्न बटन खोजता है और हर बार एक बटन दबाने पर कोई ना कोई वस्तु कमरे में प्रकट होती है। जैसे जैसे वह बटन दबाता है, चीजें अजीब से अजीबतर होती जाती हैं। कभी एक छोटी गाड़ी उसके पैरों से टकराती है, तो कभी दीवार से एक बट निकलता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। इसके बावजूद वह बेतरतीब चीजें इकट्ठा करता रहता है और एक बार उसे भूख लगने पर बटन दबाकर सुशी प्राप्त करता है, लेकिन सोया सॉस नहीं मिलता। वह सोया सॉस के बिना ही सुशी खाने को मजबूर होता है। कुछ समय बाद उसे एक 3D चश्मा मिलता है जिससे उसे एक फरिश्ता दिखाई देता है जो एक विशेष बटन की ओर इशारा कर रहा होता है। जब वह बटन दबाता है तो उलटी गिनती शुरू हो जाती है और ऊपर से एक विशाल बट उसे गैस से भर देता है। बाद में उसे मंगा के कई खंड मिलते हैं, लेकिन वह छठा खंड नहीं पा पाता। जब वह दरवाजे का पता लगाता है तो उसे यह याद नहीं रहता कि किस बटन ने दरवाजा खोला था। कई बटन दबाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे दरवाजा खोलने के लिए एक विशेष बटन को दबाए रखना होगा। वह विभिन्न चीजों का उपयोग करके बटन को स्थिर रखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत में वह एक रस्सी का उपयोग करता है और बटन को सक्रिय रखने की कोशिश करता है। जब वह दरवाजा खोलने में सफल होता है तो उसे एक और ताला दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों की जरूरत होती है। आदिवासियों के माथे पर लिखे नंबरों का उपयोग करके वह ताला खोलता है, लेकिन दरवाजे के पास फंस जाता है और निराश होकर बैठ जाता है। अचानक उसे दीवार में एक दरार दिखाई देती है और वह वहां से भागकर एक रहस्यमयी दालान में पहुंचता है। यह नया कमरा भी खाली होता है, लेकिन इस बार वयस्क फरिश्ते दीवार में गायब हो जाते हैं और अपने अंगों को बटन की तरह छोड़ देते हैं। वह दीवार पर चढ़ने के लिए स्वर्गदूतों के अंगों का उपयोग करता है और हर बार जब वह कोई बटन छूता है तो धरती पर कुछ अद्भुत या अप्रत्याशित होता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है, उसका ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है। अंत में वह एक पोर्टल के जरिए भविष्य के चरण में प्रवेश करता है, जहां उसे एक विशाल सदस्य बटन दिखाई देता है जो कहानी के अंतिम मोड़ की ओर इशारा करता है। इस पूरी यात्रा के दौरान ये व्यक्ति कई असामान्य और हास्यास्पद स्थितियों से गुजरता है जो दिखाती हैं कि किस तरह वह एक बंद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अंततः एक बड़ी सच्चाई की ओर अग्रसर होता है।